हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में, यानी कि कल के मार्केट एनालिसिस के लिए मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो स्टॉक्स आपके बताने वाला हूँ, उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ में ही बताऊंगा कि मैं इस स्टॉक में किस तरह से ट्रेड करने का ट्राई करूंगा और साथ में ही एंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो इस बार मैं यहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की ब्रीफली व्यूज देने वाला हूँ। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ यहाँ पर लेवल्स देखते थे, पर अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है कि एक अच्छा सा लेवल एक साइकोलॉजी के साथ आपको बताने का ट्राई करूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि सिप्ला का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक देख लेते हैं और उसके बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी में जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिप्ला का चार्ट लगा हुआ है। अभी सिप्ला को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट क्यों किया वो सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ए टू जेड आपको सभी एनालिसिस बताने वाला हूँ, डिटेल में प्राइस एक्शन बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर किस तरह से यहाँ पर मार्केट परफॉर्म करेगा, किस तरह से मैं यहाँ पर ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, सभी बातें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली चार्ट है ये यहाँ पर सिप्ला का। तो सिप्ला में क्या हो रहा है आप थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर एक हाई लगाया, ठीक है, एक अच्छे से रैली के बाद में एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के बाद में फिर से यहाँ पर जाके प्राइस ने रिजेक्शन ली। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर के साइड में विक्स भी दिख रही है, ये डेली के कैंडल से ऊपर के साइड में विक्स भी दिख रही है और इंट्राडे के टाइम फ्रेम में ये जो राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था इसका डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर इंट्राडे में और एक अच्छा पैटर्न बन रहा है जिसको कि हम कल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये राइजिंग वेज का ये जो राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर तीन तीन यहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं। एक तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, दूसरा कि यहाँ पर ये जो राइजिंग वेज पैटर्न बन रहे हैं इसका ब्रेकडाउन हुआ है, और तीसरा यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मतलब ये एक स्ट्रांग सिग्नल है कि यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कल हमें अच्छे से मिल सकती है। तो अगर ये जो लेवल है कल डाउन साइड में ब्रेक होता है तो यहाँ पर पुल बैक देखकर एक अच्छा सा मौका मिल सकता है शॉर्टिंग के लिए। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम अच्छा चाहिए, अबव एवरेज वॉल्यूम चाहिए, और अगर गैप डाउन भी खुलेगा फिर भी चलेगा, सिर्फ हमें एक पुल बैक देखना है। पुल बैक देख के बिना यहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। और अगर आपको और एक बात बता दूं, अगर ये कल गैप डाउन नहीं होता है या फिर ये जो नेकलाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की इसको ब्रेक नहीं करता है तो सिंपल सा हमें वेट करना है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि प्राइस स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करते करते ऊपर के साइड में अगर ये ब्रेकआउट देता है, जो कि पॉसिबल भी है। अगर आप निफ्टी फार्मा का भी चार्ट अगर ओपन करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर साइड बाय साइड थोड़ा सा निफ्टी फार्मा का भी चार्ट दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है और यहाँ पर भी कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रहा है, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, ये थर्ड टॉप। सिर्फ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लो हाइयर लोज बना रहा है प्राइस, इसी वजह से यहाँ पर कंसोलिडेट करते करते निफ्टी फार्मा भी ब्रेकआउट दे सकता है। और उसी तरह जो कि हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है सिप्ला का, थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिप्ला का चार्ट ओपन करता हूँ कि सिप्ला के स्टॉक में भी यहाँ पर से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसी वजह से थोड़ा सा हमें ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम अच्छा देखना है और अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी लेंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो हमें सिंपल सा दो तीन दिन वेट करना पड़ेगा कि ये लेवल ब्रेक हो जाए। ये जब लेवल ब्रेक होगी तब हमें देखना है कि निफ्टी फार्मा भी ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर दोनों भी स्टॉक और इंडाइसेस यहाँ पर एट अ टाइम ब्रेकआउट दे रहे तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड बनेगा दो तीन दिनों में भी, और अगर ये कल ही ये नीचे के साइड में ब्रेकआउट देता था तो यहाँ पर कल ही एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है। अभी अगला जो चार्ट है वो SBIN का। SBIN आपको पता होगा कि अपने जो लगभग ऑल टाइम हाई पे बैठा है। थोड़ा सा मैं इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग ऑल टाइम हाई पे रहे अपने, और यहाँ पर पिछले बार का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है यहाँ पर मैं जो कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है यहाँ पर सिंपल सा मैंने रेड लाइन से मार्क कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रिजेक्शन कैंडल्स आ रही है और इसके साथ में अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर कल ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर अभी ब्रेकआउट मिल ही चुका है, अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, पर ये एंड के कैंडल्स, इसको हम एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं मान सकते। अगर मार्केट कल रेंज में ओपन होगा या फिर गैप डाउन भी ओपन होगा
तो यहाँ पर एक पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनी जा बन सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सा ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था अप ट्रेंड लाइन, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पर एक अच्छा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। इसी वजह से सिप्ला में भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है, SBI में भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इसी वजह से यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट का, अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा सा शॉर्ट का मौका बन सकता है। इतना सिंपल सा एनालिसिस है। अभी अगला जो स्टॉक है वो है RBL बैंक। RBL बैंक में भी बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, थोड़ा सा आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते कि ये डाउन ट्रेंड लाइन थी, डाउन ट्रेंड लाइन का प्राइस ने यहां पर W पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट कर दिया और यहां पर से एक अच्छी सी इंपल्स मूव में अभी स्टॉक मूव कर रहा है। और इंपल्स मूव में हमें सिंपल सा क्या देखना होता है कि पुल बैक देखकर बाय करने का ट्राई करने का होता है, ठीक है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप यहां पर देख सकते कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और इसी ट्रेंड लाइन को मैं ट्रेड कर रहा था। सिंपल सा एक अच्छी सी इंपल्स मूव करेक्शन के बाद में बाय, एक अच्छी सी इंपल्स मूव करेक्शन के बाद में बाय, एक अच्छी सी इंपल्स मूव। और यहाँ पर भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर भी एक अच्छा सा करेक्शन आएगा, अगर आप इंस्टा पे जाके देख सकते हो तो यहाँ पर भी बाइंग का मौका बन सकता है। पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो सैटरडे सॉरी फ्राइडे को जो सेलिंग प्रेशर था उसकी वजह से यहाँ पर ये सपोर्ट इसने फेक ब्रेकआउट कर दिया और फिर से प्राइस ने यहाँ पर से एक अच्छी सी मूव दिखाकर ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा तो अभी जो है यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है प्राइस। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कप एंड हैंडल बना रहा है और अगर ये हैंडल कल ब्रेकआउट होएगा, यहाँ पर बहुत ही चांसेस है अगर ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देगा ना तो यहाँ पर से बहुत ही अच्छे बाइंग के मौके बनेंगे। सिमिलरली अगर ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देगा तो यहाँ पर से भी शॉर्टिंग के मौके अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा हो तब इस तरीके का वॉल्यूम चाहिए, अच्छा सा बाइंग वॉल्यूम हमें यहाँ पर चाहिए। अगर होगा तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं और कप एंड हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा तो एक अच्छी सी बाइंग के लिए मूव यहाँ पर आ सकती है। अभी अगला जो चार्ट है वो है कोटक महिंद्रा का। कोटक महिंद्रा का भी स्टॉक हम 2-3 दिनों से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर वॉच लिस्ट में रख रहे हैं क्योंकि वो अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये रेड लाइन आपको दिख रही होगी और एक्यूरेटली यहाँ पर एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। अगर इस पैटर्न का कल ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में कहीं भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यहाँ पर से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको वो पैटर्न दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। और मैं बात क्या कर रहा हूँ, अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करते करते, थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, कंसोलिडेट करते करते ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर से पुल बैक देखकर बहुत ही अच्छी बाइंग का मौका बनेगा। सिमिलरली अगर इस वाले ट्रेंड लाइन को नीचे के साइड में ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पर भी पुल बैक के बाद में एक अच्छा सा शॉर्टिंग का मौका बनेगा। यहाँ पर बाइंग के लिए भी ट्रेड बनना है, शॉर्टिंग के लिए भी ट्रेड बन रहा है। अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी देख लीजिए कि बुलिश है क्या या फिर पॉजिटिव में है क्या। जब भी हम शॉर्टिंग कर रहे हो तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी देखना चाहिए कि थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी वीक होगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह सा कोटक बैंक का एनालिसिस था। अभी लास्ट जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक में भी बहुत ही सिंपल यहाँ पर एनालिसिस बन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस हाई है, ठीक है, प्रीवियस मेजर हाई है और यहाँ तक प्राइस अभी तक पहुंच नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहीं पर कंसोलिडेट कर रही है। क्यों कंसोलिडेट कर रही है? क्योंकि एक अच्छे से इंपल्स मूव के बाद में यहाँ पर करेक्शन ले रही है, ठीक है, एकदम सिंपल है। और नीचे अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है और यहाँ पर एक इंट्राडे के टाइम फ्रेम में पैटर्न भी बन रहा है जिसको कि हम कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर एक अप ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और इसको हम एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है, इसी वजह से यहाँ पर दोनों टाइप के मौके बन सकते हैं। हाइयर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि हमें यहाँ पर से बाय करना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि हमें यहाँ पर सेल करना चाहिए। तो एक्चुअली में इस वाले कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है। अगर ये नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा
तो यहाँ पर से बहुत ही सही यहाँ पर शॉटिंग के मौके बनेंगे। और अगर ये यहाँ पर से बाई ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर से बहुत ही अच्छे बाइंग के मौके बनेंगे। सिंपल आपको यहाँ पर एनालिसिस बता दिया है मैंने, और कुछ इसी तरह से मैं कल यहाँ पर ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। अभी सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी के चलते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में के चार्ट देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं जो है अभी यहाँ पर फ्यूचर्स के चार्ट यूज कर रहा हूँ, और मैं ट्रेडिंग के टाइम पर भी फ्यूचर के चार्ट यूज करता हूँ, क्योंकि मेरी जो जो भी स्ट्रेटेजी है वो उसमें वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। और अगर हम स्पॉट प्राइस का चार्ट लेंगे तो वहां पर आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, इसी वजह से मैं अभी फ्यूचर्स का चार्ट ले रहा हूँ। आप कंपेयर कर सकते हैं स्पॉट के प्राइस के, अगर आप मूवमेंट देखेंगे एक साइड में फ्यूचर का चार्ट रखेंगे और एक साइड में जो स्पॉट चार्ट होता है हमारा वो रखेंगे, तो आपको डायरेक्शन सेम ही नजर आएगा। यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस एक्शन बता रहे हैं, आप यहाँ पर हम एक्यूरेटली लेवल पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पॉट प्राइस पर और फ्यूचर प्राइस पर एक डिफरेंस होता है प्राइस में, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको एक बताना चाहता था कि ये जो चार्ट है ये फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, और फ्यूचर जून 2021 का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, और एकदम डिटेल में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पर आप सकती कि यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बना दिया है, ठीक है, और अपनी जो एक छोटी इंट्राडे की ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया है। और यहां पर ही इसने क्यों बनाया अगर आप ये मुझसे पूछोगे, तो अगर हम यहां पर इंपल्स मूव में अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 0.618, जो कि गोल्डन रेशो है। एक्यूरेटली यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया दो बार, इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया है, अभी तक यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कब कंप्लीट होगा ये हम कब कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो नेक लाइन है इसका अगर ब्रेकडाउन होगा तब ये डबल टॉप पैटर्न कंप्लीट होगा। और अगर ये कंप्लीट होता है तो हम कह सकते हैं कि एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इम्पल्स मूव करेक्शन, अगर एक इम्पल्स मूव आएगी तो और एक करेक्शन होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी में देखें थोड़ा सा, तो हमें कल क्या किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी कल बियरिश ओपन होता है, यानी कि अगर रेंज में भी ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, तो ये वाली जो लेवल है, आपको एक्यूरेटली लेवल बताना चाहूँ, ये मैं फ्यूचर्स का चार्ट ओपन यूज कर रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 35,599 का जो लेवल है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होगा ना तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फील होगा और इसमें ये कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। तो पहले कुछ मिनटों में या फिर पहले कुछ घंटों में यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन दिख सकता है, और उसके बाद में अगर ये वाले कंसोलिडेशन का नीचे के साइड में ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ही अच्छी मूव आएगी नीचे के डाउन ट्रेंड में। और अगर ये ऊपर के साइड में ब्रेक हुआ तो यहाँ फिर से कुछ रेजिस्टेंसेस है ऊपर के साइड में, फिर भी अगर ये जो जोन है वो ऊपर के साइड में ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर से एक अच्छी मूव आ सकती है। अगर ऊपर का लेवल आपको बताना चाहूँ तो एक्यूरेटली 35,687 फ्यूचर के चार्ट पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन हुआ जो कि हम बुलिश कह सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप अप हुआ तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर समझ लो यहाँ पर गैप अप हुआ तो यहाँ पर पुल बैक देखकर एक अच्छा सा बाइंग का मौका बन सकता है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है या फिर टारगेट रखना है प्रीवियस हाई पर, ठीक है। प्रीवियस हाई में हमें सिंपल सा यहाँ पर मार्क कर लेना है। अगर बुलिश ओपन होगा तो यहाँ पर से बहुत ही अच्छा बाइंग का मौका बनेगा, क्योंकि ये जो डबल टॉप पैटर्न बना रहा था इसका लगभग 0.6 लेवल का फर्स्ट टाइम टेस्ट हुई, 0.6 की लेवल फर्स्ट टाइम टेस्ट हुई, सेकेंड टाइम टेस्ट हुई, और थर्ड टाइम ये मुझे लगता है कि ब्रेक कर देगा। अगर थर्ड टाइम यहाँ पर टेस्ट करने को जाएगा अगर प्राइस, तो यहाँ पर ब्रेकिंग के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से एक अच्छा सा बाइंग का मूव यहाँ पर आ सकता है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ इस वाले ये वाली जो लेवल है, अगर आपको एक्यूरेटली लेवल बताना चाहूँ फ्यूचर चार्ट्स में, तो 35,532 के नीचे यहाँ पर अगर मार्केट खुला तो यहाँ पर से सीधा हमें नीचे की लेवल दिखेगी, जो कि आपको बताना चाहूँगा 35,300 की लेवल, ठीक है। अगर गैप डाउन खुला तो वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका नेकलाइन प्राइस ब्रेक कर देगा, और जैसे ही नेकलाइन प्राइस ब्रेक कर देगा तो नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट डायरेक्टली सपोर्ट है वो है 35,300 का, इसी वजह से मैंने आपको इस तरह से कहा। तो इतना सिंपल एनालिसिस है, अगर ये बुलिश भी खुलेगा तो भी कल मार्केट ट्रेंडिंग में रह सकता है, इसी वजह से ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही अच्छे मौके बन सकते हैं। अगर ये गैप डाउन भी खुलेगा फिर भी एक अच्छा सा मूव ये यहाँ पर दे सकता है, इसी वजह से यहाँ पर पुट ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर
मतलब एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मार्केट रह सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर निफ्टी में भी है, निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा वेज पैटर्न बन रहा है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाइंग मूवमेंट है, बाइंग मूवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी में। पर अगर हम कंसिडर करें कुछ सीनेरियोज, अगर कल बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुलता है किस लेवल के नीचे, मैं को एक्यूरेटली लेवल बताना चाहता हूँ, 15,753 इस लेवल के नीचे अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर से भी निफ्टी जो है वो बियरिश हो जाएगा। इस लेवल के अगर गैप डाउन खुलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर से ब्रेक कर देगा, अगर गैप डाउन खुलता है तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर पोजिशन ली होगी ना वो थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे और वो अपनी पोजिशन काटने का चालू कर देंगे और उसी वजह से यहाँ पर एक अच्छा सा करेक्शन आ सकता है। और दूसरा सिनेरियो, अगर यहाँ पर एक रेंज में खुलता है कल, तो हो सकता है कि यहाँ पर पहले कुछ घंटों में यहाँ पर रेंज बना दे, बाद में रेंज का ब्रेकआउट कर दे, और ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होगा तो ऊपर के साइड में मुंह देखेगा, नीचे के साइड में ब्रेकआउट होगा तो नीचे के साइड में यहाँ पर मुंह देखेगा। डिपेंड करता है कि किस तरह से ब्रेकआउट देता है, किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है। अभी थर्ड सीनेरियो, अगर ये गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जैसे हुआ यहाँ पर आ सकता है पुल बैक के बाद में एक अच्छा सा मूव दिखा दे सकता है। सिमिलरली अगर कल भी गैप अप खुलेगा, एक पुल बैक देखना है और यहाँ पर हमें बाइंग का सिर्फ ट्राई करना है। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलेगा जो भी आपको लेवल बताए उसके नीचे, तभी यहाँ पर निफ्टी में बियरिश सिनेरियो आ सकता है और निफ्टी भी आज की तरह एक अच्छा सा ट्रेंड दिखा सकती है, ट्रेंड में ही रह सकती है, कंसोलिडेशन निफ्टी में आने के चांसेस बहुत कम है। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और मेरे 5 स्टॉक। होप कि आपको ये डिटेल में एनालिसिस पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है, इसी तरीके का कंटिन्यूअस एनालिसिस चाहिए होगा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपको एनालिसिस किस तरह की लगी वो बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।